हाय वन सेकंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रीकी व्हील्स। और वैसे काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया, सो एक्चुअली काफ़ी सारे रीजन्स है उसके लिए भी। शुरू करने से पहले ये मैं बता दूँ कि अभी हम कौन सा लोकेशन पे है। सो हम अभी है नमसाई का बांका ब्रिज लोकेशन, जो कि काफ़ी सुंदर लोकेशन है। सो राइट नाउ अभी समय हो रहा है 5:10 PM और हवा काफ़ी सेक्सी सा आ रहा है। आजू बाजू काफ़ी गुरु है, मेरा फुटेज बीच में ख़राब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन देख लो गाय कितना सारा है रास्ते में आना जाना हो रहा है, रिश्ता बड़ा एक्चुअली। जाओ जाओ आराम आराम से, कोई बात नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जाओ 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 जल्दी आओ समझ नहीं है। सो मेरा लास्ट वीडियो तो आप लोग देखा होगा, जो वो लोग मेरे चैनल में पहले से है, मेरा लास्ट वीडियो आप लोग देखा होगा जिसमें था जंगल आम घुसा था और वहाँ मेरा एक्शन कैमरा ख़राब हो गया, जो कि है DJI Osmo Action, जो कि काफ़ी ठीक था और बहुत साल ये मेरे साथ चला है। एक्चुअली बहुत साल, हम भी भूल गए यार कितना साल पहले हम ये खरीदे थे। तो अभी मेरे साथ है एक नया कैमरा, जो कि है ये GoPro Hero 9 Black। अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, एक्चुअली अनबॉक्सिंग पहले ही कर चुका है लेकिन काफ़ी एक्साइटमेंट में था तो अनबॉक्सिंग बहुत पहले हो चुका है, उसका वीडियो बनाया, हम उसको छोटा मोटा क्लिप में डाल के भेज देंगे। ऐसा नहीं, तो GoPro का अनबॉक्सिंग कुछ ऐसा होता है, टाटा फाइनली पत्थर वत्थर निकल के नहीं आना है। और ये सब हेलमेट में लगाने के लिए, ये लोग ये सब है, सब कुछ मिलेगा और केबल जो कि मोबाइल दिया गया है। सो अभी फाइनली GoPro का कैमरा क्वालिटी भी जम कट है, रेडी 1 2 3। सो दिस इज द कैमरा क्वालिटी ऑफ GoPro Hero 9, पूरा वाइड एंगल जो आ रहा होगा, यहाँ भी एक्चुअली सुपर वाइड एंगल में है जो कि काफ़ी वाइड आ रहा है। इसका GoPro Hero 9 का आगे में भी एक छोटा सा स्क्रीन है जिसमें इतना अच्छे से सब कुछ नोटिस नहीं रहता है, लेकिन जो पीछे का स्क्रीन है, जो मेन स्क्रीन है, वहाँ से बहुत कुछ देखने को मिलता है। लेकिन आप जो मोबाइल में देख रहे हैं वो हमको अभी ये छोटा सा स्क्रीन में नहीं दिख रहा, आपको दिखाएगा वेट। इसका आगे पे ये छोटा वाला स्क्रीन है उसका बात कर रहा हूँ। सो आपको कैसा लगा कैमरा क्वालिटी ये कमेंट डाउन में कमेंट करके बताइए, और नज़ारा कैसा है यहाँ का, एक तो बहुत बढ़िया सनसेट वहाँ से नज़र आ रहा है और एक सुंदर सा हवा पूरा नदी किनारे में, क्या लोकेशन क्या। मजा यार मजा, और गाय गोरु बकरी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यार, ऐसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है एक्चुअली। और यार हम तो बहुत खुश है GoPro Hero 9 को लेकर, और काफ़ी लोग मदद किया मेरा, बहुत थैंक यू, ये लोग मदद किए हैं, बहुत लोग मदद किए, और हमको भी अपना राइड एक कैंसिल करना पड़ा ये कैमरा को लेने के लिए, क्योंकि मेरा प्लान था जब से हम वहाँ से आने, जब से मेरा कैमरा और लास्ट हम जंगल जा गया था, उसके बाद मेरा प्लान था जीरो जाने का, जीरो जो कि अरुणाचल में है ईटानगर के नज़दीक पे, वहाँ मेरा जाने का प्लान था, लेकिन हमको सेक्रीफाइस करना पड़ा क्योंकि मेरा कैमरा हो चुका था ख़राब, लेकिन अभी वो सेक्रीफाइस वर्थ रहा, और ये मेरा कैमरा मेरा साथ में आ गया तो मेरे लिए काफ़ी वर्थ है, और गाय गोरु बकरे आ रहा है, चलो जाने का बात करते हैं। सो अभी हम देखें कि माइक क्वालिटी में काफ़ी तक प्रॉब्लम हो रहा है, विंडोज आ रहा है फिर से, सॉरी जो भी हो ये विंडोज काफ़ी आ रहे हैं। सो ये काफ़ी विंडोज हो रहे हैं मेरा कैमरा से, ये GoPro Hero 9 से, पता नहीं ये कैमरा में होता था कि नहीं, DJI Osmo Action, इसको भी अभी जब हम जाएगा बाहर तब इसको बनाने खोजेगा, अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। और अभी धीरे धीरे सनसेट भी डूबता जा रहा है, और वैसे काफ़ी सुंदर लोकेशन पे है, और अभी हम जो एक्चुअली हम जो क्वालिटी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 1080p 60fps से कर रहे हैं, 1080p 60fps से कर रहे हैं। सो लेकिन कैमरा रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 5K,
जो कि हम एडिटिंग भी नहीं कर पाएगा। मेरा फ़ोन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा 5K को। तो लेकिन आपको दिखाता है 1080p 60fps में, तो अभी चलता है 2K में। चलो सो फाइनली अभी रिकॉर्ड हो रहा है 2.7K 60fps में। पता नहीं ऑडियो ऑडियो क्वालिटी में तो वैसे आ रहा होगा जैसे पहले था। ऑडियो क्वालिटी का कोई fps नहीं होता है, कोई क्वालिटी नहीं होता है शायद ऐसा ही। ऑडियो क्वालिटी हमको नहीं पता, अगर इम्प्रूव हो भी सकता है तो। लेकिन कैमरा मेरे हाथ में अभी नया है तो हमको इतना आइडिया नहीं रहे। लेकिन 2.7K अभी क्वालिटी को चेक करके देखिए, पता नहीं मेरे फ़ोन में एडिट हो पाएगा कि नहीं पाएगा और हम ये वीडियो में डाल पाएगा कि नहीं पाएगा। सो ये है 2.7K 60fps में रिकॉर्ड हो रहा है। और आप देखो लोकेशन काफ़ी सुंदर, वाइड एंगल ऐसा सेक्सी आ रहा है यार। मैं डीजे हाउस मक्शन में भी ना वाइड अच्छा वाइड एंगल नहीं आता था यार। हाँ ये तो रहेगा 2.7K 60fps। अभी दिखाता है आपको 4K 60fps में। चलो सो ये है 4K 60fps में रिकॉर्ड हो रहा है। अभी हमको नहीं पता कितना बढ़िया आ रहा होगा। ऑफकोर्स बढ़िया तो आना चाहिए 4K में रिकॉर्ड हो रहे तो। और 5K तक तो हम जाने का क्षमता नहीं है मेरे साथ। बाद में मेरा इम्प्रूवमेंट आएगा तो ऑफकोर्स 5K क्या है 20K तक लेके जाएगा आपको। चलो तो ये हो रहा 4K 60fps में रिकॉर्ड। और वाइड एंगल इसका कैसा है हमको नहीं पता, थोड़ा सा वाइड एंगल में अंतर आया होगा। और वीडियो क्वालिटी में ऑफकोर्स अंतर आएगा, और ऑडियो क्वालिटी में तो हमको नहीं लगता कोई अंतर आएगा भी शायद। और पता नहीं क्वालिटी कैसा आ रहा है, लेकिन ये है 4K 60fps में। और 5K में हम रिकॉर्ड करना चाहेगा तो भी हम एडिट नहीं कर पाएगा 5K में। सो 4K मेरा लास्ट है, इससे हम एडिट कर पाएगा शायद। मेरा ख्याल से हम एडिट, हमको भी नहीं पता एडिटिंग में हम जो यूज़ करते हैं काइन मास्टर हम यूज़ करते हैं तो उसमें एडिट हो पाएगा भी कि नहीं हमको नहीं पता। तो यही था कैमरा क्वालिटी को लेके। सो अभी वापस आ गया 1080p 60fps में, जिसमें मेरा हर वीडियो इतना में घुसता है और इतना से ही निकलता है। बाकी आप कमेंट करके बताइए आपको कितना डिफरेंसेस मालूम चला है। क्या हुआ कि हम बहुत दिन से पहले से ये वीडियो को ढाल लेना था एक्चुअली। कैमरा मेरा परसों नर्सों को आ गया था। अभी परसों के बाद नर्सों ही बोलते हैं ना, हर इंसान ऐसे कहानी बना के बना दे पता नहीं, लेकिन परसों नर्सों सरसों ऐसा कुछ बोलते हैं आदमी लोग। तो हम भी बोल रहे थे परसों नर्सों सरसों को आया था मेरा कैमरा, लेकिन हम काफ़ी बीमार था तो हम बना नहीं पाया वो वीडियो को। कल भी हम कोशिश किया था, कल हम वीडियो बनाएगा बोल के, लेकिन कल भी नहीं कर पाया। शाम को काफ़ी बीमार हो गया था तो नहीं कर पाया। तो अभी फिर आज का दिन में थोड़ा सा हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया तो अभी बाहर निकल के आया कैमरा को, कैमरा का अनबॉक्सिंग जो भी हो वीडियो बनाने के लिए। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और ये कैमरा से एक लास्ट क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं जो कि होगा टाइम लैप्स। तो चलो एंजॉय द टाइम लैप्स, हम भी थोड़ा देर बैठेंगे चिल मारेंगे उसका देखेंगे। सो गाइस राइट नाउ अभी 6:30 हो रहा है शाम का और काफ़ी अंधेरा हो चुका है। अभी रूम निकल रहा है वैसे, टाइम लैप्स लेते लेते काफ़ी अंधेरा हो गया और टाइम लैप्स में छोटा सा गलती हो गया। वो कोई नहीं, एडिटिंग में छुलटा रहेगा उसको, एडिटिंग में जैसे तैसे सुलटा रहेगा। और बस तो स्कूटी चला रहा है, हम पीछे बैठा हुआ है क्योंकि हमको करना है ब्लॉगिंग। तो गाइस अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा गुड बाय, साइनिंग ऑफ द क्यूबर्स।